कितने किलो हो जाते हैं इसमें आलू आपके? हो जाएंगे 50-60 किलो। पहाड़ों की बिल्कुल घाटी पे बसा हुआ खरगेट गांव है, तो वो जो ये रहा सियाना नहीं ना दिन खाना नहीं था सुबिया खुन बिना सुवेर बिना लग्या था मो बतड़ो बतोड़ी खानो नहीं पियनो नहीं आप बोल बोल तुम उच्च दाने मरने से ये खानो गड़ा लगाना सुना है चुल्ही तो बंद कर दे प्लीज गासो जो खुन अबर बेटो अबरा बोंको जा सो तो सतर बतर सारे लोग क्या पग जान बे बों इस घर में देखो कितनी भैंसे हैं, 1, 2, 3, 4 जरा दूर बैठ जाओ पान लो। मैं दूर बैठा था पान लो। बेटी नहीं बेटे से कम हर कार्य करने का उसमें भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत जी गढ़वाली यूट्यूब चैनल में। और आज अधिक और कितने खूबसूरत गांव में आए हैं। इस गांव का नाम है खरगेट, ये भरधार पट्टी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में। बहुत ही खूबसूरत गांव है, बिल्कुल पहाड़ी की घाटी पे ये गांव बसा है। सूरज भाई कैसा लग रहा है आपको खरगेट गांव में आके? बहुत बढ़िया, रुद्रप्रयाग के फर्स्ट गांव में है, लोकेशन काफी अच्छी है, बहुत प्यारी है। आज आपको हम खरगेट गांव के लोगों के साथ रूबरू कराते हैं, सो लेट्स गो टू खरगेट गांव। देखो पहाड़ों में महिलाएं देखो ऐसे देखो फावड़ा चला रहे हैं, देखो जो है बजरी भर रहे हैं, जो मकानों पर इस्तेमाल होती है मकान बनाने के लिए बजरी। सामने आप बोर्ड देख रहे होंगे, खरगेट गांव भरधार पट्टी में पड़ता है खरगेट गांव। कितने कट्टे ले जाते हो आप एक दिन में, कितने ले जाने पड़ते हैं? गिनती का करना पड़ेगा, तरह से पीठ पे लगाया जाता है। कितनी दूर ले जाओगे आप इसको, कहाँ पे? इनके गांव की तरफ जा रहे हैं। ये है खरगेट गांव, बहुत ही खूबसूरत घाटी पे बसा है, पहाड़ों की बिल्कुल घाटी पे बसा हुआ खरगेट गांव। पट्टी भरधार में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत गांव। गांव के सामने ये इनके उपजाऊ खेत हैं, जिनमें देखो ये आलू लगाए हुए हैं। महिला शक्ति काम कर रही है, देखो ये किस चीज की गुड़ाई कर रहे हो आप? आलू की। कितने किलो हो जाते हैं इसमें आलू आपके? हो जाएंगे 50-60 किलो। 50-60 किलो, हाँ। तो उसके बाद आप क्या आप उसको मतलब बेचते हो कि खुद के इस्तेमाल के लिए यूज करते हो? कुछ खाएंगे कुछ बेचेंगे, जब भाव होगा 30 होगा 30 40 होगा 40। कौन से महीने लगाए थे आपने आलू? तो एक महीने में तैयार हो गए हैं। फसल 3 महीने। इसको आप कब निकालोगे फिर? जनवरी में। 2 महीने बाद। तो इस तरह से जो है पहाड़ों में मेहनत करती हैं महिलाएं। तो ये आलू की खेती है, तो ये कह रहे हैं कि बेचते भी हैं और अपने इस्तेमाल के लिए भी इसको यूज में लाते हैं। सब्जी उगाते हैं। अनाज भी उगाते हो आप? नहीं, अनाज कैसे उगाएंगे, स्कूल में रहते टाइम नहीं मिलता, वैसे होता अनाज उगा टाइम नहीं मिलता, कभी कहीं ड्यूटी कभी ड्यूटी। तो इस गांव के बिल्कुल सामने आप खेती देख सकते हो, सीढ़ी नुमा खेती, और यहाँ पे इन्होंने आलू लगाए हैं। तो आलू की खेती यहाँ पे ये लोग करते हैं, कितने तादाद में यहाँ पे जो है सीढ़ी नुमा खेत हैं। तो कृषि का काम यहाँ पे ज्यादा होता है खरगेट गांव में। लगड़ के तो आधुर बड़े लोना ये बहुत सी खूब आता है लोना बहुत कुल बजे में से कितना दूर बड़े जा लोना लगड़ ये कम तो आप ये देखो पहाड़ों की महिलाएं देखो कितना काम करती हैं, कहाँ से ला रहे हैं लकड़ी इतनी? ये तेज लग रहा है कुछ मुंह पर ये मुझे मुझे कॉल कॉल अच्छा कौन उन्हें तुम को मैं को ये बाबा क्या बोलो बोला तुम गा बोलो क्या ना तो क्या करना है तेरे तेरा गाना लगा बोल लगा दे यार क्या तो गाना लगा बोल तेरा कहाँ से फ़ोन गा ले नमस्ते भाई नमस्ते फ़ोन गा ले का ये ले चमाया ले ची गाना लगा दे बुढ़ी मतलब है ये बहुत दूर लोग हैं ना है बहुत दूर लोग हैं हाँ ये राम बाबा लगा रहे मन कहाँ के कहाँ लोग हैं आप बोल बोल तुम उठे डांडे मार में सही आप कहाँ लोग हैं सुबह बोल तुम कहाँ बड़ी दूर है मैं कल कहाँ ये लोग चिका कहाँ सिका मैं थे ये खरगेट गांव का धारा है प्राकृतिक स्रोत है दिन कहाँ से निकलता है पानी ऊपर पहाड़ से आता है अच्छा गासो जो खुनु अबर बेटो अबरा बों को जा सको तो सतर बतर सारे के लोग क्या जान बे बों 70 साल आया तुम हां मुश्किल के वन बाबर घर मुच तेरे से गासे न्यारे मुश्किल न और के बों जर न के वन बाबर घर में मजा तन बैठ को अटे था खेत बाहर कर नहीं सकदा या गासे रे किन से खेत बाहर से मान कौन करे कौन लड़ी बुआ जरो मन के कांदा को दू जंगोरो के कांदा ओपन कोला पोलो ते दाई के कोला पोलो मन क्या ते से साल खा से दियो नु तो
शांति चुप रह यार, तो मैं तो गड़ा लगा ना, मैं नहीं जान जो मांगो ना, मेरा मांगो तो भी मैं मार्गा चला नहीं पुना सॉर्ट ना ना ना, मैं मांगो तो नहीं जान ना ना, अब आते से भी बुआ थोड़ा मांगो तुम्हारे गांव में बेचारे वो के तुम किचातन बोला ने मैं बाहर से कौन राजे खूब समय चले एक दिया गो भी मामा ना जब गो भी तो मामा पर नाग जाऊं तो बाल मां को पर दौड़े हूं जाता तो ना बेन जाना बार मरम दे ऐसा ना खूब बेन जाता पहले जमाने नहीं ना तुम्हारा जमान थोड़ी प्योर हम पैसा पाल रहा रोटी खा रहा भुजी खा रहा तो लोग खान चार छन जा पहले अब तो जब पैसे लोग कर दें मोबाइल मतलब अब तो लोग नौकरी कर देना पहले नौकरी का खर्चा पहले तो लोग खान चार छन जा अब लोग अब लोग पहले नौकरी कर दें फिर खान छन तब छन अब जब नौकरी कर ले तब ये खान ना पहले इन बीजो ना केते बार सोई का पर करवा तो तो पर याद होल पर कर ओले जरूर ऐसा कोरोना ना कन बीते बिदुत का नहीं होगा कुछ नहीं बाबा सुबह ता कौन वो लोग बहुत है ना ये कौन वो तो कुछ नहीं नहीं मैं जैन अब रहती को जो बच्चे हम लेते के सुख हुआ तो ना तो इवन जरूर का तो अब केते में थोड़ा बहुत दिन से अब सवर भी है बेटी बुआरी घूमनी चलना रिक्शा तांगो ससुरा जया चुनी घूमनी चलना देखिए पुराने जमाने के डिनाले वाले घर अब खंडर हो चुके हैं। खेती बाड़ी कर रहा है क्या क्या काम था रोड मुश्किल क्या हूँ बोला आराम से मुश्किल क्या मुश्किल बोल तो प्लेन मुझे माता जो दूध राशन पानी घर के बाहर से जो है बर्तन धोने पड़ते हैं। तो इस गांव में पशुपालन भी अच्छी मात्रा में होता है, खेती बाड़ी तो होती है साथ में पशुपालन भी होता है, बकरी भी है यहाँ पे, लेकिन ये मुर्गियाँ भी हैं बकरियाँ भी हैं। तो देखो अभी ये घास लेके आए हैं भैंसों के लिए, तो लोग सुबह जाते हैं फिर दिन में घास खिलाना गाड़ी नहीं नहीं गाड़ी कौन चलनी नहीं रोड है आपके यहाँ गाड़ी क्यों नहीं गाड़ी आप टच वाणी अमाल अच्छा ये बोल बुला रहा दूर बैठा पान लोड मैं दूर बैठा था पान लोड ऐसे हाथ पिलाना पड़ता है ऐसे ये हाथ पिलाना पड़ता पान ये धार सू क्यों जमा रहा और किच हम दूर बैठे ये आप ऐसे हाथ हाथ को टटूंडा छन ऐसे हाथ पे ले जा रहे हो आप हाथ दर्द नहीं होता हाथ और सिर में नहीं ले जाए कितना दूर जान तुम मैं नहीं देखो इस तरह से ये पानी जो है हाथ पे ले जाना तो नल लगाओ घर घर में नल लगाओ हर कहाँ आ रही नल अब तो नल लग रहे हैं हर घर कहाँ लगा रहे कहाँ पढ़ती है तुम मैं हाँ दिल्ली नाम क्या तुम्हारा पापा का नाम बताओ पापा का नाम हाँ वोट वोट कहाँ रहेगी मम्मी धर्म सिंह मम्मी का नाम मम्मी का नाम पूजा देवी कितने साल के हो तुम मैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो आंगनबाड़ी खिचड़ी मिलती है आंगनबाड़ी में
चौड़ दमुआल पादस भेटन सरदा बांडा बूंडा घास काटन मुश्किल की वो पहाड़ी गेट हम तो पहाड़ों आराम ज्यादा मुश्किल भी नहीं यो कड़ो डांस दिखा चल पूरी कड़ो दिखाना ये कड़ो कड़वाई गाना ये वीडियो को बनाना कौन सी क्लास में पढ़ता है 10th आगे चल के क्या बनना फौजी आर्मी में ज्वाइन करना आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि आर्मी में जाना भाई से भाई आपको फौज में तैयारी कैसे चलती फौज में जी के चैनल से हम भी एक छोटी सी कविता सुनाते हैं। एक बात हर महिला को पहुंचाना चाहते हैं कि लड़की को ये न समझे कि लड़की है, वो भी लड़के की समझ जो कि हम लड़कों को कितने प्यार से करते हैं, लड़कियों को काम भी करवाते हैं और वो अच्छी भी होती है। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियाँ, खाद पानी बेटों में और लहराती हैं बेटियाँ, एवरेस्ट की चोटी पर खेले जाते हैं बेटे, लेकिन चढ़ जाती हैं बेटियाँ। बेटी नहीं बेटे से कम, हर कार्य करने का उसमें भी है दम। लड़की को शिक्षा देनी चाहिए पूरी, ये नहीं कि वो लड़की है या लड़का है, समान अधिकार। लड़की को भी ऐसे पढ़ाई लिखाई कि वो अपने कार्य अपनी जिंदगी में स्वयं अपने किसी पर भरोसे न रहे, अपने कार्य में सक्षम बने। खाना पीना बनाते हैं, भैंस भैंस को देखते हैं, उसके बाद घास 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 को जाते, फिर घर में खाना वाना बनाते हैं। सुविधाएँ यहाँ पे गाड़ियाँ होनी चाहिए, मार्केट होना चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधाएँ होनी चाहिए। यहाँ पे हॉस्पिटल के यहाँ से सिर्फ सिलेंडर बहुत दूर है, 35 किलोमीटर है। मुख्य समस्या 30-40 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो समस्या तो है। गाड़ियों का इंतजार करना पड़ता है। पहाड़ों में रहना बहुत अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है, पहाड़ है, शुद्ध हवा है। शहर अच्छे नहीं लगते आपको? शहर तो अच्छा है, शहर में तो ये अच्छा है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं होती है, गांव में थोड़ा कम है, इसलिए शहर में अच्छी होती है। भारी मन से बोल रहे हो कि दिल से बोल रहे हो कि पहाड़ अच्छे होते हैं? दिल से पहाड़ अच्छे हैं। एकड़ वाले गाना सुना है? सुना तो था, मैं तुम सुना है उन सुना वो तो ऑन रोल मैं नहीं सुना तो एकड़ वाले बिल्कुल ये तो बंद कर दे प्लीज। थैंक यू। एकड़ वाले एक डांडा की लेडीज थी आपकी तरह, उन्होंने पूरे गाने पे डांस किया, आप देख सकते हो उस पे। तो अलग देखो, गाना लगवाने का मकसद ये है कि जो हमारी गढ़वाल की संस्कृति है ना, बहुत पीछे है, बहुत पीछे होता है ना हमसे आगे, जैसे हिमाचली लोग हैं, क्योंकि वो खुल के गाना भी गाते हैं, खुल के डांस भी करते हैं, तो मतलब पूरी दुनिया में उनकी संस्कृति बहुत फेमस है, तो वहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आते हैं, तो उनका ना कल्चर बहुत आगे निकल गया हमसे, और हम पीछे रह गए। हम शर्माते हैं कि हम गाना भी नहीं लगा सकते, हम डांस भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा मकसद है कि हर आदमी जो हमारी वीडियो देखे तो गढ़वाली संस्कृति गढ़वाली कल्चर को समझे, जो हमारे रिचुअल हैं, जो हमारी ट्रेडिशन है पुरानी, जो हमारे लोकगीत हैं, लोक संगीत है, वो आगे जाए। तो आपको जब कि गढ़वाल की संस्कृति का समय आप गवा दे गाना बस सुबह उठ उठे मोहल गान बेटा फिर वैसे बैठने चापियन है ना, और काम के खेती पाती से कब आलू गोड़न कब लहसुन गोड़न बस, और के कब रोपण कन कब रोपाई कन ना, कब बिजाड़ गान कब साठी मारन कब गेहूँ काटन कब गेहूँ कुटन कल्याण माँ तब बैस मेरे बाबा और के दिन रात मोल है जमार पहाड़ मात्र रहन मुश्किल जी, पर पहाड़े ठंडी हवा थी बाबा, वो था प्रदेश में भी नहीं थे पहाड़ मान ठंडी हवा। सुबह खून बिना सवेर बिना लग्या था वो बतड़ो बतौड़ी खानो नहीं पीणो नहीं कैसे हो मेरे रोजगार आता हम सब बैठा साला सरकार रोजगार खोजन हमारे पूछो दे तू क्या तू छे बोनी खेती बाड़ी सुमर दे अभी सुमर हटा तो कथा सब सुमर से बा उल्टना खाना नहीं पीणा नहीं बस भज गोविंद भज राम ना बिजा मुश्किल होने पहाड़ मा रोन बेकार छ और लगावा तंगलो खेत को काम करा कुलन खेना है आपको खान भाई कुछ नहीं मैंने सुंगर साफ से कोनो एक सो यो सुंगरे बाढ़ करा कोन सीधो जाले बाढ़ तुम्हें देखन तो कहन तो जाले देवल सरकार था भाई देखो ना सरकार ने कदा गोम देणी जाले बुरा संग दे देओ यो फोटो फाटो नहीं खें तो अरे गोम जाला जो ए बाबा वे बोल भी रो ये मा आदमी रे बोल तो नहीं आप यो गाना लगा तो गोडा गाना केलो गोणा मल्ला हां पुराने मॉडल के मकान बहुत ही खूबसूरत, भैंसे देखो 1-2-3 और यहाँ पे 2 बैल
और यहाँ पे एक और भैंस, चार भैंसें, दो बैल। कितना खूबसूरत मकान है, बहुत ही पुराने मॉडल का मिट्टी का मकान। दिन के 2 बजे हैं और देखो यहाँ पे जो है अंधेरा हो गया। तो ये काफ़ी घाटी पे बसा हुआ गांव है खरगेट गांव, बहुत ही खूबसूरत पुराना मकान, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, ताले लगे हुए हैं मकानों में। इस तरह से यहाँ से खरगेट गांव ऐसे दिखता है, बहुत ही खूबसूरत गांव है, बिल्कुल घाटी पे बसा है ये, तलहटी पे। अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे यहाँ पे जो है शाम हो गई है। आपके बोन बाबा में ना बहुत मुश्किल हमारी रोना है भाई, ये मेरे रात जो वाली रोनो मैं कहाँ के मैं ना नोन मेरे कमाया नहीं ना है बुआर मेरे निका जो था ना है अतो ये रात मैंने बोले अब गड़वाल गान होती रात मैंने बोल दिया ली ये बुआर मैंने क्या ना तब के मैं सामने पर तो बोलो निका था ना रात जो मुझे तो तब की तो मैं तब पता लगो ना मुझे ना तब लगो मैं मुझे ना बुआर ऐसा होने तुम बना दी बुआर निका दूर खाली हुआ मैं खुद ही परेशान छो मैं काम कर करी ते मर गयो क्यों तुम छे कौन राणी सुंगो राणी रात चैंदनी से और का खेत के कोने में ना हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें, रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें, रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब किए, रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें, रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें, रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करो।